खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद दो पक्षों में पथराव, आगजनी और हिंसा दंगों में इब्रेश उर्फ सद्दाम खान की मौत के आरोप में पुलिस ने आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 आरोपी फरार हैं। दरअसल 10 अप्रैल की रात भड़की हिंसा के बाद आनंद नगर में दो पक्षों में पथराव आगजनी की घटना के बाद कपास मंडी आनंद नगर में 11 अप्रैल को इब्रेश नामक नगर पालिका के सफाई कर्मचारी की लाश मिली थी। शिनाख्त नहीं होने पर कर्फ्यू के चलते पोस्टमार्टम कराकर शव को इंदौर फ्रिज में रखने के लिए भेज दिया गया था। 14 अप्रैल को कोतवाली थाने में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हरकत में आई पुलिस ने परिजनों से इंदौर में इब्रेश की 17 अप्रैल को शिनाख्त कराने के बाद 18 अप्रैल को पुलिस ने परिजनों को शव सौंपा था। इब्रेश की मौत के बाद परिजनों में रोष था। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सिर पर चोट मौत का कारण बताया था। विवेचना के बाद आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि इब्रेश की हत्या के आरोप में आनंद नगर इलाके के संदीप, दिलीप, अजय, दीपक प्रधान और अजय कर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 3 आरोपी फिलहाल फरार है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश नहीं है, धार्मिक उन्माद है। पथराव के चलते विभिन्न सबूतों के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की गई और उन्हें आनंद नगर और रहीमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि परिजनों ने भी हिंसा में मौत का आरोप लगाया था। 18 अप्रैल को इब्रेश को स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इब्रेश की जो हत्या हुई थी, जो हमें कपास मंडी में जो एक प्रकरण आया था, एक बॉडी मिली थी, तो उसके बाद बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, उसके लिए हमारी टीम लगी थी और अभी 5 आरोपियों की उसमें गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से मिले आरोपी? ये आरोपी जो है उसी क्षेत्र के हैं, आनंद नगर और रहीमपुरा क्षेत्र के। इनका जो है फैमिली द्वारा भी वहाँ पर गवाहों द्वारा पहचाना गया है और साथ ही इनके साथ कुछ आवश्यक सबूत भी जो मिले हैं और इन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि इन्होंने मारा है। तो कोई कारण सामने आ रहा है क्या? इसका कारण जो है अभी तो एक धार्मिक उन्माद ही कहेंगे, बाकी अन्य भी कारणों की जैसे तलाशी की जा रही है। कोई पुराना विवाद विवाद तो नहीं? पुराना कोई विवाद ऐसा सामने नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।